राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव किसी न किसी बात को लेकर चर्चा का विषय बने ही रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही उनका गाय का दूध दुहने वाला वीडियो वायरल हुआ था और अब उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई है जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं। गाय का दूध निकालने वाले वीडियो में उन्होंने कहा था कि ये गुण उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव से सीखा है। उन्होंने कहा था कि वो ग्वाले हैं और गौ माता की सेवा करना उनका धर्म है। एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे तेज प्रताप यादव ने सड़क किनारे चाय की दुकान में कुल्हड़ में चाय पी और कहा कि प्लास्टिक के कप की जगह मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग करना चाहिए और उसी में चाय पीनी चाहिए। उन्होंने अपने पिता की ही तरह कुल्हड़ का प्रयोग करने पर जोर दिया। लालू ने भी रेल मंत्री रहते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुल्हड़ में चाय पिलाने का नियम बनाया था। तेज प्रताप ने भी कुल्हड़ में चाय पी और कहा कि कुल्हड़ खांटी है और देश की माटी है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के कप में चाय पीने से आपको खतरनाक बीमारियां हो सकती है, ऐसे में यदि आप कुल्हड़ में चाय पिएंगे तो बीमारियों से बचेंगे, साथ ही मिट्टी की खुशबू आपको इसमें मिलेगी। इन सभी से ऊपर गरीब कुम्हारों को भी इसमें फ़ायदा होगा, उनकी आर्थिक हालत सुधरेगी। दरअसल तेज प्रताप यादव नालंदा में आयोजित घुड़सवारी प्रतियोगिता में शिरकत करने गए थे। तेज प्रताप ने चाय पीने के दौरान अपने पिता लालू प्रसाद यादव को याद किया और कहा कि आज की सरकारें प्लास्टिक बैन और प्लास्टिक से लोगों को होने वाले खतरों के बारे में बताती है तो फिर लोगों को इस प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि आज से कई साल पहले जब लालू जी देश के रेल मंत्री थे तब उन्होंने कुल्हड़ को प्राथमिकता दी थी। तो आगे और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।